हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैलेंडर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैलेंडर के अंदर कितने डेज होते हैं, ईयर कितने होते हैं, तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा हमने देखा, मैंने यहाँ पर कुछ इवेंट्स लिख दिए हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लिखा 14 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। अब मुझे इनको सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंगली लगाना है कि हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंगली पहला मंथ कौन सा होता है। तो जैसा कि हम इसमें अगर देखें तो हमें उसमें डेट और मंथ दोनों को ध्यान में लेना है। तो जनवरी के यहाँ पर 2 इवेंट आ रहे हैं। अब हमें यहाँ डेट को चेक करना है। हमारी पहली डेट है फर्स्ट, तो जो पहला इवेंट आएगा इट्स अ फर्स्ट जनवरी, एंड देन सेकेंड आएगा उसी जनवरी का 26 जनवरी अगेन। अब जनवरी के बाद हमारा, अगर हम अपनी सीक्वेंसिंग में देखें तो सबसे पहले आएगा अगस्त, तो फिर अब हमें लिखेंगे 15 अगस्त। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर नहीं है, अक्टूबर है, तो अब हमारा आ गया सेकेंड अक्टूबर, एंड देन लास्ट, सॉरी, अक्टूबर के बाद हमारा जो आएगा वो है फिर हमारा नवंबर, 14 नवंबर। जैसे आपने देखा, मैंने इनको सीक्वेंसिंग में लगा दिया जिस तरीके से वो था, तो ये हमारी एक रिवीजन हो गई। नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ टू राइट डेट। तो डेट लिखने का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि सबसे पहले आती है डेट, देन मंथ, एंड लास्ट में जो आता है इट्स ईयर। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो हमने लिखा डेट, जैसा कि आज है 14th, मंथ इस समय जो चल रहा है मई को हमने नंबर में लिखा 05, एंड ईयर जो अभी करंटली है इट्स अ 2020। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो डेट इस तरीके से लिखी होती है, बट समटाइम्स डेट को लिखने के अलग भी तरीके होते हैं। जैसा कि मैं अभी लिख रही हूँ, वहाँ पर ये मंथ जो होता है वो इस तरीके से आ जाते हैं, 14th May 2020। तो जैसा कि आपने देखा, हम ये लिखते हैं डेट। अब यहाँ पर मैंने स्लैश का उपयोग किया था, उसमें कई बार लोग डॉट्स भी डाल देते हैं या फिर कई बार हमारे इस तरीके से बॉक्सेस बना दिए जाते हैं और उसके अंदर भी डेट को मेंशन कर दिया जाता है। ये फॉर्मेट आपको मोस्टली आपके चेक्स वगैरह पर, या आप कोई भी गवर्नमेंट का या कहीं पर भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरीके की फॉर्मेट दिखेंगे जहाँ पर हमें डेट फिल करनी होती है। तो बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।